आज हम लोग बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की, ठीक है। तो करंट का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो क्या होती है, एवरेज वैल्यू को स्क्वायर करके अंडर रूट कर दे तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आई का फंक्शन क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो आई स्क्वायर एवरेज हो जाएगा जीरो से टी, यहां पर टी तक लेके जाएंगे, टी एक पूरे साइकिल का जो है इंटीग्रेशन करेंगे, आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी, ठीक है। यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो आई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू जीरो से टी आई नॉट की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और यहां पर टी आ जाएगा, टी इज इक्वल टू होता है टी इज इक्वल टू टू पाई ओमेगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा और टू पाई नीचे चला आएगा। तो आई स्क्वायर एवरेज या आई एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो से टी इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर, क्योंकि आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये टी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा अपॉन टू पाई ये आ गया, ठीक है। और यहां पर बचा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कॉस टू थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से हम इसको टू थीटा के टर्म में साइन को निकाल लेंगे, तो साइन थीटा को इधर ले आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ये वैल्यू यहां पर हम लोग रखेंगे। तो आई स्क्वायर आई एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टू पाई जीरो से टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में ये देखिए ये रखा है, तो इसकी जगह पर हम कॉस रख देंगे, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू, ठीक है। डी टी टू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन फोर पाई, अब इंटीग्रेशन करेंगे, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डी टी का टी आ जाएगा, और कॉस टू ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस टू ओमेगा टी का माइनस में है तो माइनस कॉस टू ओमेगा टी का साइन का होता है माइनस कॉस, कॉस का होगा साइन साइन टू ओमेगा टी, और यहां पर अपान में आएगा टू ओमेगा, और ये जीरो से जाएगा, जीरो से जाएगा टू पाई अपान ओमेगा, ठीक है। ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे, आई एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई नॉट अपान फोर पाई, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो टू पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। फिर जीरो की वैल्यू पुट करेंगे माइनस में तो ये जीरो आएगा, फिर प्लस में क्यों, ये माइनस में है तो माइनस का साइन लगा के आप प्लस में साइन टू ओमेगा टी की जगह पर टू पाई ओमेगा रखेंगे तो टू ओमेगा से टू ओमेगा कट जाएगा, ये आएगा कितना, साइन ओमेगा से ओमेगा कटेगा, टू से टू कटेगा, तो ये आएगा साइन फोर पाई अपॉन ओमेगा, और उसके बाद आएगा साइन जीरो, माइनस का साइन जीरो, तो साइन फोर पाई की वैल्यू साइन जीरो के बराबर होती तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, आई
एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 पाई और यहां पर बचेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, 2 से 2, 2 जा 4, पाई से पाई कट गया, तो आई एवरेज का स्क्वायर हो गया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नहीं होती है, आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में आई एवरेज का स्क्वायर। ठीक, तो आई एवरेज स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं हम लोग, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आई नॉट आ जाएगा और अपान में अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये आई आर एम एस वैल्यू, आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई करंट की।